योगाभ्यास जिसमें सूर्य नमस्कार है और एक दो ही दंड बैठक लगा लें, थोड़ा व्यायाम करना चाहिए, थोड़े आसन प्राणायाम ये अवश्य ही करने चाहिए। वो करके फिर आज पूरा रामनवमी का पर्व है, इसको भक्ति पूर्वक मनाएंगे। राम का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का यदि अवतरण आज है तो हमारे सभी पूज्य सन्यासी भाई बहनों का भी, मुझ सहित सबका भी आज ये दिव्य जीवन का आज दिन है। तो आप सबको रामनवमी की और सन्यास दिवस की भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम सबके जीवन में यह सन्यास तत्व, यह सन्यास धर्म, सन्यास की मर्यादा पूरी प्रतिष्ठित रहे। ऋषि धर्म, वेद धर्म, ये दिव्य धर्म हमारा प्रतिष्ठित रहे। तो चलो आओ मिल करके थोड़ा सा तो कर ही लेते, कम से कम योगिक जोगिंग के दो पोज और सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, इतना तो हम सबसे रोज करवा ही देते हैं। आप तो स्वस्थ हो, मैं तो रोगियों से भी करवाता हूं इतना तो। एक तो ये अभ्यास और वार हो, त्योहार हो, पर्व हो, खुशी हो, गम हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, मैंने तो बार बार कहा है ना, जीवन तो एक युद्ध की तरह है। यह अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आंधी और तूफान चलते रहते हैं, और हमने तो रोज यही देखे, यही देखते हुए पैदा हुए हैं, यही देखते हुए बड़े हुए हैं, यही देखते जवान हुए, अभी ये तो नहीं कहूंगा कि यही देखते हुए बुढ़े हो गए, क्योंकि वो हुए ही नहीं। अभी लंबे लंबे श्वास ऐसे, योगिक जोगिंग के दो अभ्यास चालू रखो भैया ऐसे ने। हाँ, और ऐसे ये थोड़ी देर कर लें, फिर चलो सूर्य नमस्कार करा देता, 10 बार कम से कम सूर्य नमस्कार, फिर 10-10 दंड बैठक से लेकर के 100-100 तक करवा देते। चलिए मेरा अनुसरण करते ही साथ साथ करते, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनान शिचानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। सामान्य और मध्यम गति से ही करेंगे। चलो प्रार्थना के साथ, जब आगे झुकेंगे तो श्वास बाहर, पीछे झुकेंगे तो श्वास अंदर। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम, जय जय मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम, जय जय मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम। तुमको कोटि प्रणाम, रघुकुल कुमोलेंदु
दशरथ नंदन जान प्रभाकर रघुकुल कुमोद इंदु करुणा कर दशरथ नंदन करना है कम से कम। सब क्यों खड़े क्यों आज? किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो भाई? कुछ लोग सोच रहे हैं तो सन्यासी बनने का दिन है तो हम ऐसा नहीं है। साधारण दंड लगा लो या मिश्र लगा लो, दस दस करके 100 बार तक करने का अभ्यास करना चाहिए। फिर कोई अति बल पाना चाहता हो तो 500, 1000, 2000, 5000 जैसे करना चाहिए। तो ये तो मिनिमम हो गया 10 बार वाला। समझे अभ्यास तो रखा लेकिन आप इतना करवा देते हो। थोड़ा सा करवाता मैं तो मिनिमम कोर्स करवाता, मैक्सिमम तो बाकी है।
पुरुषोत्तम श्याम चंद्र की। तो देखो ये तो थोड़ा सा प्रतीकात्मक व्यायाम किया था, दिस इज ओनली सिंबॉलिक एक्सरसाइज। गर्मी है इसलिए इसी में पसीना बह रहा है। मैंने संकल्प ले रखा है सर्दी में दिसंबर जनवरी में भी कम से कम 100-200 ग्राम पसीना बहाना, और अप्रैल मई जून में तो आधा से एक किलो। कितना? जोर से तो बोलो। तो जैसे पसीना बहाएंगे फिर वो जीवन में कभी रोगी होंगे? नहीं हो सकता। देखो जब निरोगी रहते तो निरोगी होकर के करने को बहुत कुछ है। विद्यावान बनना, बलवान बनना, धनवान बनना, ऐश्वर्यवान बनना, गुणवान बनना, प्रतिभावान बनना, पराक्रमी होना, बड़े बड़े साम्राज्य कायम करना, लाखों करोड़ों लोगों का हित करना, आरोग्यवान होकर के करने के लिए बहुत कुछ है, सब कुछ है, सारी दुनिया है, सारा जहान है। और रोगी होकर के करने के लिए कुछ नहीं है, वहां तो बस ये लगता बस जान बच जाए। सब कुछ दांव पर लगा करके लोग जान ही बचाने में लगे रहते हैं। तो सुनो, थोड़ा सा योगाभ्यास में, चाहे कोई कितना ही पवित्र अवसर हो, रामनवमी हो, होली हो, दीपावली हो, जन्माष्टमी हो, गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो, हमारे आध्यात्मिक पर्व हो, हमारे राष्ट्रीय पर्व हो, कोई भी बात हो, अपना योग एक दिन के लिए भी छोड़ना नहीं। और मैं ये बात इसलिए कहने का अधिकारी हूं क्योंकि लगभग 40 वर्षों से मैंने एक दिन भी अपना योग, अपना कर्म योग छोड़ा और स्वस्थ रहने के लिए एक बहुत बड़ा तत्व है नित्य प्रति सर्वांगीण व्यायाम। एक्सरसाइज में भी कई प्रकार के फिजिकल वर्कआउट्स हैं। स्वस्थ रहने के लिए सबसे बड़ा तत्व है नित्य प्रति व्यायाम। अब देखो एक तत्व की भी बड़ी महिमा है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिनमें कुछ गलत आदतें भी थी, किसी में दारू पीने की, किसी में बियर पीने की, किसी में और
खाने पीने की खराब चीजें, खाने पीने की आदत, बहुत कुछ जीवन में बहुत कुछ गलत था, लेकिन एक काम अच्छा करते थे वो और करते हैं। जितने भी पूरी दुनिया में लोग फिट दिखते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज हैं, बॉलीवुड में हैं, हॉलीवुड में हैं, स्टार हैं, स्टार्स हैं, एक्ट्रेस हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में लोग हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हैं, चाहे वो सन्यासी हैं, डॉक्टर हैं, कोई भी पूरी दुनिया में जो हेल्थ के आइकॉन हैं, रोल मॉडल्स हैं, उनमें से एक भी व्यक्ति ने, एक भी सिंगल पर्सन नहीं है ऐसा, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो नित योगाभ्यास या फिजिकल वर्कआउट एक्सरसाइज ना करता हो, सिंगल आदमी नहीं। एक बात, स्वस्थ रहने के लिए बहुत बड़ा तत्व है, मैंने कहा ना स्वस्थ रह करके फिर बहुत कुछ अच्छा करना वो अलग बात है। कुछ लोग केवल स्वस्थ रहते हैं, मस्त पड़े रहते हैं, हाँ करते कुछ नहीं फिर बाकी, वो गलत बात है। तो ऐसे कोई हमें कोई ऐसे वो गांव की भाषा में बोले ना, तो ऐसे हमें कोई झोटे भैंसे ऐसे तैयार नहीं करने कि मोम मस्त मलंगे पड़े वो, लेकिन वो भी बाहर तो ढोते ही हैं, लेकिन उतना ही नहीं, इससे आगे बहुत है जीवन। दूसरा आरोग्य का सूत्र है अच्छी नींद आना। क्या ना बोलो, चलो बच्चों को तो इसके बारे में पता नहीं, जैसे बड़े होते ना पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं और मेरे से पूछते हैं फिर, बाबा जी आप रात को सोते हो तो आप अपने दिमाग का ट्रैफिक जाम कैसे करते हो। मैंने कहा इसका मतलब मैं समझा नहीं। बोला आप एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, इतनी एक्टिविटीज करते हो, सुबह से शाम तक दिमाग की चक्री घुमाते रहते हो इसको शाम को ब्रेक कैसे लगाते हो? क्या पूछते हैं, इस दिमाग को ब्रेक कैसे लगाते हो? तो मैंने कहा मैं दिमाग को ऑर्डर देता हूं चुपचाप सो जा, बहुत काम कर लिया अभी सो जाते। बोलिए इतना आसान थोड़ी ना है, इतना ही आसान है, दिन भर इस शरीर से सेवा लो। मेरे साथ बोलो शरीर साधन है, बोलो शरीर, और इस शरीर का, इन इंद्रियों का, इन मन का मैं स्वामी हूं। शरीर, इंद्रियों, मन, प्राण का मैं क्या हूं बोलो, स्वामी, स्वामी रामदेव स्वामी नहीं है, तुम सभी अपने शरीर के, इंद्रियों के, मन के, प्राणों के क्या हो बोलो, हाँ अपने विचारों के, अपनी संवेदनाओं के, अपनी भावनाओं के, तुम सब क्या हो बोलो, स्वामी, स्वामी हो, दास नहीं, गुलाम नहीं हो तुम। तो मैं इस विचार में जीता हूं तो अपने बॉडी को ऑर्डर देता हूं चल दंड बैठक लगा, तो दंड बैठक लगाने लगता है चल शीर्षासन कर, चलो शीर्षासन करो, सर्वांगासन करो, तो करने लगता है। आप भी करो, फिर अगला भजन भी सुनाते हैं आपको। तो शरीर को ऐसे ऑर्डर देना सीखो मेरी तरह से, इंद्रियों को, मैं जो सोचता हूं वही मेरी आंखें देखती है, मेरे कान सुनते, मेरी वाणी बोलती है, ऐसे नहीं तो सब ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये मनमानी करने लगे तो फिर तो कुछ का कुछ हो जाएगा। चलो भजन के साथ, तो मैं अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी संवेदनाओं को साधता हूं, यही साधना है, यही साधन है। और बस मन का जो नित्य व्यायाम करेंगे, आसन, प्राणायाम, ध्यान करेंगे, अच्छे से नींद लेंगे, अच्छा आहार विचार रखेंगे, अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव और अच्छे संबंध, सात्विक संबंधों में जो जिएंगे, अपने स्वरूप में रहकर के, अपने स्वकर्म को स्वधर्म मानकर के जो निर्वहन करेंगे अपने कर्तव्य का, वो अपने पुरुषार्थ से, अपने परमार्थ से बहुत कुछ करेंगे जीवन में, यही स्वस्थ जीवन का, दिव्य जीवन का आधारभूत सत्य है। ये शीर्षासन आदि एक एक आसन 1 से 5 मिनट, विशेष परिस्थितियों में 10 मिनट तक करने के लिए आपको मैंने कहे हुए। शीर्षासन या सर्वांगासन, दोनों में से एक चलता रहेगा, मैं दोनों कर लूंगा, आप भी जो एक या दोनों करना चाहे वो कर लेना।
जो ये न कर पाए वो अनुलोम विलोम कर ले। प्रभु जी मोहे संत हृदय कर दीजो, प्रभु जी मोहे संत हृदय कर दीजो। निश्चल निर्मल अमर प्रीति से, निश्चल निर्मल अमर प्रीति से हृदय सदा भर दीजो। संत हृदय कर दीजो, प्रभु जी मोहे संत हृदय कर दीजो। सर्वांगासन शीर्षासन, चलो करो सर्वांगासन हलासन कर लो। जैसे कुसुम प्रहर परा, जैसे कुसुम के संग विराजत आठो प्रहर परा, तसे अनिशम संतन हृदय माही तेरा ही कर दीजो, प्रभु जी मोहे संत हृदय कर दीजो। चक्रासन लेट करके या खड़े होकर कोयल जैसे मधुर गोग से जन जन को हर्षावे, कोयल जैसे मधुर गोग से जन जन को हर्षावे।
योग मुद्रा आसन, मंडूकासन, एक एक आसन को एक से दो मिनट सबके लिए, रोगियों के लिए पांच पांच दस दस मिनट हम ऐसे कराते। चलो गोमुखासन में बैठ जाओ, एक एक आसन को योग मुद्रा आसन, मंडूकासन, गोमुखासन आदि, जिसको जो अभिष्ट है अपनी आवश्यकता के अनुसार दो मिनट से लेकर के विशेष परिस्थितियों में दस मिनट तक ऐसे अभ्यास करना है। कपाल भाती कर लो, साथ से भस्त्रिका कर लो, बहनों के लिए खूब खूब अभिनंदन कर दो। बहुत अच्छा गाती भी हैं और बहुत अच्छा जीवन भी जीती हैं। देखो सभी को ऐसा करना है, एक एक आसन सामान्य रूप से एक से दो मिनट और रोगी होने पर पांच से दस मिनट ऐसे करवा करके जो आज तक इस सृष्टि में नहीं किसी ने सुना, देखा, किया, पढ़ा, जो किस किताब में नहीं लिखा हुआ, किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, किसी ने किया नहीं, वो हो गया। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, अभी आपके साथ दोहरा रहा हूं, फिर अगला योग अभ्यास करेंगे। मेरे साथ बोलिए, सामान्य ज्ञान से, सामान्य प्रेम से, संवेदना से, सामान्य पुरुषार्थ से, सामान्य प्रतिभा से, विशेष कार्य, ऐतिहासिक कार्य संपन्न नहीं होते। चलो बैठो, सीधे बैठो। अब इसका कहने का क्या मतलब है? सामान्य ज्ञान तो सभी के पास है, सामान्य संवेदनाओं से तो सभी परिपूर्ण है, बीज रूप में तो सब कुछ सबको भगवान ने दे रखा। मैं बार बार कहता हूं, मुझे संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही लगता है
हमारे पास इतनी ऊंची ज्ञान परंपरा, इतना ऊंचा वेदों का ज्ञान, ऋषियों का ज्ञान, योग का, यज्ञ का, प्राकृतिक चिकित्सा का, आयुर्वेद चिकित्सा का, और अपने हजारों लाखों करोड़ों करोड़ों ऋषि मुनियों का अनुभव, इतना सब कुछ हमारे पास है और फिर भी हम रोगी हो, कितने दुर्भाग्य की बात है। ये तो समष्टि के रूप में कहा, कलेक्टिव रूप में, इंडिविजुअल रूप में कहता हूं। चलो लंबे लंबे श्वास भरते रहो, अपने योगाभ्यास भी करते रहो। देखो मुझे बहुत आश्चर्य होता है, हमें समाधान पता है, बीपी का, शुगर का, थायराइड का, कोलेस्ट्रॉल का, एसिडिटी का, हार्ट के ब्लॉकेज का, फैटी लीवर का, अर्थराइटिस का, अस्थमा का, कैंसर का, SLMS ऑटोमेन डिजीज का, जेनेटिक डिजीज का, लाइफस्टाइल डिजीज का, क्रोनिक डिजीज का, फिर भी लोग दुखी है। तो मैं कहता हूं, और मैं कह नहीं रहा हूं, हमें करके दिखाना है। जो इस संसार में, यह मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं और अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, जो इस संसार में स्वामी रामदेव की बात मानेंगे, आचार्य बालकृष्ण जी की बात मानेंगे, मीन्स हमने एक सिद्धांत के आधार पर, विज्ञान के आधार पर जो जाना है, जो किया है, जो अनुसंधान किया है, जो अनुभव किया है, जो हमने जाना है, जिसको हमने जिया है, उसको यदि संसार के लोग मात्र एक महीने तक, और कितना समय लगता है, सुबह सुबह एक घंटा, कोई हम सारे संसार के कार्यों का अवरुद्ध करके ये योग करने के लिए नहीं बोल रहे, जैसा जो हमने योग के बारे में, यज्ञ के बारे में, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के बारे में, इस प्रकृति के बारे में, ये तो प्राकृतिक सत्य है, ये तो जमीनी हकीकत है, रियलिस्टिक ट्रुथ है, इसको, ये तो नैसर्गिक न्याय है, दिस इज यूनिवर्सल लॉ, दिस इज नेचुरल जस्टिस, यू कैन नॉट डिनाई दिस। जो हमने जाना इस पूरे अस्तित्व के संदर्भ में, वैसे लोग जानने और जीने लग जाएंगे, उस दिन एक महीने के भीतर सारे संसार के सारे रोग और दुख दारिद्र्य खत्म हो जाए। सीधे बैठो और बैठ करके भस्त्रिका करते करते मेरी बात सुनो और मेरे साथ बोलो सब, भगवान ने, बोलो, बीज रूप में, अब अपने दिमाग के हाथ लगाओ, हमारे मस्तिष्क में अनंत ज्ञान, असीम विवेक, असीम प्रतिभा, अनंत मेधा, प्रज्ञा, हृदय में असीम अथाह अनंत संवेदना, हमारे हाथों में अनंत कर्म, पुरुषार्थ परमार्थ करने का सामर्थ्य दिया है, हमारे पिंड में, शरीर में, सारे ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियां प्रकृति ने, परमेश्वर ने समान रूप से, बिना किसी भेदभाव के, बिना पक्षपात के दी हुई है। मैंने इसलिए दोहराया कि बात तो मैंने लाखों बार बताई है, लेकिन फिर भी मैंने क्यों दोहराई, मैंने इसी बात से अपने आप को स्वामी रामदेव बनाया, कि जब भगवान ने सबको सब कुछ दिया हुआ है, तो मुझे जो बीज रूप में दे रखा है, देखो खेती तो मुझे करनी है, अब बचपन से खेती मैंने की है, बीज रूप में है तो बस उसको पुष्पित पल्लवित कर लो, उसको बोलो अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में, अपने जीवन में दिव्यता के बीज बोलो, क्या दिक्कत है। ये खेत है, ये शरीर एक खेत की तरह है, और इसमें विचारों के, ज्ञान के, संवेदनाओं के जो बीज हैं, ये बोलो, ज्ञान योग के, भक्ति योग के, कर्म योग के, अष्टांग योग के, राज योग के, श्रीमद् भगवद गीता की भाषा में बोले तो 18 प्रकार के जो योग के हैं, उसके बीज बोलो।
और पुरुषार्थ के परमार्थ के बीज बोलो। मैंने बीज बोए और ये बीज बढ़ते 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 इतनी फसल लहरा रही आज। ये जो मेरे सामने बैठी हुई है ना, ये पुरुषार्थ की फसल है, पुरुषार्थ की परमार्थ की फसल है। ये पतंजलि योगपीठ जो संस्था है और जो संगठन है, इसका राष्ट्र और विश्वव्यापी जो सेवा का विस्तार है, साधना का विस्तार है, साधन का जो विस्तार है, ये सब क्या है? ये जो बीज रूप में था उसकी हमने फसल बो दी, कुछ हमने काटी, कुछ औरों ने काटी। हमने राजनीतिक फसल भी बोई थी इस देश में, कुछ काट करके एमएलए एमपी बन गए, कुछ सीएम पीएम बन गए। अरे बन गए ना। महाभाष्य में उदाहरण आता है, शास्त्रों में बार बार ऐसे उदाहरण आते हैं। बोले फसल क्यों बोना, इसको तो चिड़िया खा जाएंगे। अरे चिड़िया तो खाएंगी, बो तो ले बावड़े, चिड़िया तो खाएंगी, पशु तो खाएगा, कोई तो खाएगा। बीज बो दे उसमें पेड़ होगा, छाया में कोई तो बैठेगा, कोई तो उसके फल खाएगा। इसलिए हम तो बीज बोए जा रहे, और जब तक जिएंगे तब तक बाहर भी अच्छे बीज बोते रहेंगे और अपने भीतर भी, अपने मन मस्तिष्क में, प्राणों में, अपने हृदय में अच्छे बीज बोते रहेंगे और उसकी छाया में ये संसार आश्रय पाता रहेगा। यही योग और अध्यात्म का मूल मंत्र। चलो भस्त्री का ऐसे करना, कपालभाति करना। ये दीक्षा मैं पूरे देश को दे रहा हूं और लाखों करोड़ों लोगों को। देखो मुझसे प्रत्यक्ष रूप से सन्यास, चाहे लगभग 100 लोगों ने, भाई बहनों ने लिया हो, और चाहे आगे 500,000 लेने वाले हो 5-10 सालों में, मैंने ये योग अध्यात्म की दीक्षा करोड़ों लोगों को दे दी है और मुझे संतुष्टि है इस बात से कि उनके जीवन में मैंने अच्छे बीज डाल दिए। सीडिंग कर दो वक्त पर सब कुछ, और उसको बस पोषित करते रहो। अभी ये जो मैं रोज योग सिखाता हूं ना, ये तो मैं उसको खाद पानी देने का काम करता हूं। कपाल भाती करो, ए सीधे बैठो बाबू, ऐसे घुटनों में मुंह टिका करके मत बैठो, उसको हिलाओ, सो गई है शायद, बैठो। कुछ तो ऐसे ही बैठ जाते। और यदि थोड़ी देर ना बोला जाए तो ऐसे नहीं सोना, कुछ तो कपाल भाति करते करते सो जाते, इसलिए बीच बीच में मैं जगाता रहता हूं। चलो जागो, और जगाना है सब, सबको योगी कर्मयोगी बनाना है, उपयोगी बनाना है। योगी निरोगी उपयोगी सहयोगी बनेंगे सब, मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे तो राम राज्य आ ही जाएगा। हम ही राम है, हम ही कृष्ण है, हमी सीता लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती, हमी जानकी वैदेही। कपाल भाति करते रहो, और करते करते चलो एक दो भजन और बहनों की सुन लेते हैं, फिर आगे भी सुनाएंगे। चलो कपाल भाति सबको करना है सीधे बैठ करके, और एक और प्रार्थना, प्रार्थना और पुरुषार्थ। मैंने दो शब्द बोले थे ना, क्या क्या बोला था? प्रार्थना मूलक और निवृत्ति मूलक, योग मूलक कर्मयोग, छोटी सी तो बात है, विश्राम मूलक श्रम, निश्रेयस मूलक अभ्युदय। यही तो सार तत्व है। ततो भूय युते तमो यो संभूत्याम रता। तो क्या करना चाहिए?
विद्यां च विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा संभूत्या मृतमश्नुते संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह. This whole materialistic world, whatever we are visualize through these eyes, this is sambhuti, vinasham, sambhuti, jo aparoksh hai, apratyaksh hai, ajnat, anirdishta, avyakta hai. Sambhutim cha vinasham cha, visible or jo invisible things hai, the materialistic and spiritual prosperity, wealth, peace, happiness hai. दो दृष्ट अदृष्ट उसी को ही संभूति और विनाश का विद्या विद्या का है. यही पुरुषार्थ और प्रार्थना से तात्पर्य है. यही प्रवृत्ति और निवृत्ति से श्रम और विश्राम से योग और कर्म योग से तात्पर्य है. चलो इसी के साथ भजन भी गाओ. अभी तो थोड़े से भजन, अभी अगली रामनवमी तक जो हमारे भजन लिखते और गाते हैं ना भाई बहन, कौन कौन भजन लिखते हैं भाई? देवाणी जी, देव श्रुति जी, देव प्रीति जी भी लिखने लग गई, और पूज्य देव साध्वी जी, देव देव प्रिया दीदी जी, देव प्रीति दीदी जी, देव शक्ति दीदी, और देवांशी दीदी जी, और पूज्य साध्वी देव योगिनी जी. देव योगिनी जी, सबके लिए एक बार अभिनंदन कर दो भैया. तो अब आज रामनवमी को मैं कुछ टारगेट देने वाला हूँ कि गीता के 18 अध्यायों पर. देवाणी जी आप तो या स्मरण भी है पूरा गीता, और आपको ये गुण भी है, ये प्रतिभा होती है. जैसे मुझे बहुत काम आते हैं लेकिन ये कविताएं लिखनी नहीं आती. कोई लिख दे संशोधन तो कर दूंगा. तो और उसमें भी देखो सार तत्व, मैं शब्द तो बोल सकता हूं, उनको पिरोना नहीं आता, घड़ना नहीं आता उनको. ये छोटी छोटी बातें होती, ये भी एक कुशलता ही होती है, स्किल होते हैं अलग प्रकार के. ऐसे हमारे भाइयों में भी कुछ है जो काव्य घड़ते रहते हैं, रचना करते रहते हैं सार रूप में. अब मैं आपसे कहूं कि चार वेदों का, अब मैंने पूज्य साध्वी देवश्रुति जी को एक दिन बोला कि आप सार रूप में देखो. एक तोता विस्तार, विस्तार तो चारों वेदों का 20,100 ऋचाएं, अब ये इतना ही तो विस्तार है. सार रूप में कि ऋग्वेद का सार क्या है, तो एक कविता में लिख दिया. यजुर्वेद का सार क्या है, सामवेद अथर्ववेद का सार क्या है, एकादश उपनिषदों का, पूरे उपनिषदों का सार क्या है, फिर एक एक उपनिषद का सार क्या है. ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों का सार क्या है, एक एक अध्याय का सार क्या है. ऐसे एक एक बहन को, एक एक कुछ भाइयों को टारगेट देके, और उसको दो तरह से भी लिखा जा सकता है. एक ने उसकी वैसे व्यापक दृष्टि सामने होनी चाहिए और उसका शब्द प्रयोग भी श्रेष्ठ होना चाहिए, वही फिर काव्य स्थिर होते हैं, जिसमें लगा है कि भाई ये तो जो बात कह दी गई इससे आगे तो कुछ बचा ही नहीं इसमें कहना, वो अल्टीमेट हो जाते हैं, अप्रतिम हो जाते हैं, श्रेष्ठतम वो रचनाएं हो जाती है. इसलिए जो रचनाएं हमारे पूर्वजों ने गाई अब वो श्रुति कहलाई. कि और फिर उनके बारे में ऐसी मान्यता है, मैं इसको मान्यता ही कहता हूँ, मैं इसको सच नहीं मानता हूँ और सच हो भी नहीं सकता कि सृष्टि में जैसे पहले था वैसे ही अब है, वैसे ही आगे रहेगा, एक वर्ण अक्षर का भी भेद नहीं होगा किसी. अरे ये तो वो हमारा हमने अपने विश्वास को मजबूती देने के लिए वैसा कहा हुआ है, लेकिन जो कह दिया गया उससे मैंने अब ऐसा लगता है कि इससे आगे और कहेगा क्या कोई. इस संदर्भ में, प्रकृति के संदर्भ में, आत्मा के संदर्भ में, परमात्मा के संदर्भ में, संबंधों के संदर्भ में, जीवन के संदर्भ में, सुख के संदर्भ में, शांति के संदर्भ में, जीवन के निर्माण के संबंध में, निर्वाण मोक्ष के संदर्भ में, बोलिए कह दिया गया इससे आगे क्या कहेगा. और वो तो अलग अलग महापुरुषों ने कहा है, भगवान बुद्ध ने उसको अलग तरह से कहा, महावीर जी ने अलग तरह से कहा, गुरु नानक देव जी ने अलग तरह से कहा है उसको, जो है गौतम कड़ाधे, जैमिनी पाणिनि ने, पतंजलि ने अलग अलग स्वर दिए. तो कौन कह सकता है कि कौन कहता है कि एक ही तरह से सत्य कहा जाता है. यही हमारे शास्त्रों में कहा, और एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती कह कर के भी कहा है. लेकिन जो हम गाएं, जो हम लिखें, जो हम कहें,
वो ऐसा होना चाहिए कि भाई ये तो अप्रतिम है। अब इतना कह दिया इसमें कुछ बचा ही नहीं। कई बार कोई महापुरुष प्रवचन देते हैं तो उसके बाद में मैंने देखा 10 वक्ता बोलते हैं, बोले मेरे पूर्व वक्ता ने जो कह दिया उससे कहना कुछ शेष नहीं है, फिर भी कहने के लिए कहा गया इसलिए मैं इसमें अपने आहुति दे देता हूं। ऐसा होना चाहिए हमारा। तो ऐसे भी करीब करीब काफी बहनों में, काफी भाइयों में ऐसी कुशलता भी आ गई है काव्य की, उनके लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। ये एक ये कुशलता है, दिस इज ए बिग स्किल। ये बात बड़ी कुशलता है, एक बड़ी प्रतिभा है। चलो सीधे बैठो, आपको भी अब इस रामनवमी से अब प्रारंभ हुई है यात्रा, अगली रामनवमी तक। अब ये बहनें मुझे अपना अपना टारगेट बता देंगी, 4 वेदों पर, 11 उपनिषदों पर, सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा दर्शन पर, श्रीमद् भगवद गीता पर, अष्टाध्यायी महाभाष्य पर, पंचोपदेश पर, और फिर ये जो मैंने कहा ना निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति का दर्शन। मुझे बहुत सारा समय इसी पर लगाना पड़ा है। मैं चाहता हूं कि इसमें लोगों का व्यर्थ समय बर्बाद ना हो, और इसमें हिंदी में, संस्कृत में, श्लोकों में, छंदों में रचना हो। इसी में कितने लोगों को मुझे बाहर निकालने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, कितने प्रकार से। निवृत्ति ही सत्य है, प्रवृत्ति ही सत्य है, प्रार्थना ही सत्य है, पुरुषार्थ ही सत्य है, प्रवृत्ति ही सत्य है, निवृत्ति ही सत्य है, संभूति विनाश, विद्या अविद्या, ज्ञान कर्म उपासना ही सत्य। और बड़े बड़े लोगों को बहकते हुए देखा है, कभी कहते हैं कर्म सत्य है, कभी कहते हैं कर्म संन्यास सत्य है, बड़े बड़े लोग बहक जाते हैं। कभी कहते हैं धर्म अर्थ काम सत्य है, कभी कहते हैं मोक्ष सत्य है। बहको मत मेरे भाई, जो जैसा सत्य उतना जान लो, फालतू में। और फिर दिमाग पर इतना बोझ ले लेते हैं कई बार कि खुद भी कंफ्यूज, और वही प्रसाद दूसरों को भी बांटते रहते हैं। धत तेरे की बावड़ो, चलो सीधे बैठो। त्रिवर्ग सत्य है कि मोक्ष सत्य? अरे सभी सत्य है। शरीर सत्य है कि आत्मा सत्य? अरे शरीर भी सत्य है, आत्मा भी सत्य है, इन्हीं में घोटा घोट रखा है और सोटा घुमा के निकला कुछ नहीं। चलो बैठो सीधे। जो जैसा सत्य है, कुछ क्षणिक सत्य है, कुछ व्यवहारिक सत्य है, कुछ पारमार्थिक सत्य है। चलो प्रार्थना के साथ आनंद से करना। सब सीधे बैठो बच्चों। ए छोटे छोटे बाबू, 2-4 बड़े बाबू भी बैठो उनके पास। इन छोटे छोटे बच्चों में बीच बीच में जगाना पड़ता है। और आश्चर्य की बात यह है कि कुछ बच्चों को बिल्कुल नहीं कहना पड़ता, एकदम छोटे छोटे बच्चे हैं, लगे रहते हैं, एक निष्ठ हैं पूरे। और कुछ में तो ऐसा वेग है आंधी और तूफान जैसा, वो भी ज्वालामुखी फटेंगे लेकिन उनको सही डायरेक्शन में। चलो सीधे बैठ करके करते प्रार्थना के साथ। योग का पुरुषार्थ चल रहा है। कपाल भाती पूरा हो गया भाई, ये प्राणायाम अग्निसार कर लो। अब अलग अलग संदर्भों में हमने कहा कि अपने आप को अभिव्यक्त, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति ये खाली बोलने की बात नहीं है, जीने की। अपने आप को अभिव्यक्त होने दो, जो मैं कल 4 शब्दों का प्रयोग कर रहा था, जीवन की अभिव्यक्ति, वेदों की, शास्त्रों की, सत्य की अभिव्यक्ति, प्रकृति की अभिव्यक्ति, अपनी प्रकृति की अभिव्यक्ति, यही तो जीवन है। अब इसमें जब तक उसको अनिवार्य ना करो, इसलिए संसार के जितने भी नियम बनाए जाते हैं ऑप्शनल तो बहुत थोड़े से होते हैं, ये कहते हैं मैंडेटरी है, और ये आपने नहीं किया तो आपको फिर दंड भोगना पड़ेगा, ये कर्मफल न्याय व्यवस्था है। तो अनिवार्यता के बिना जब ये लगता है ना कि ये तो करना ही पड़ेगा, तभी आदमी करता है। ऐसे बहुत सारे सत्य जो अलग अलग संदर्भों में आपको कहते रहते हैं कि उन सब सत्यों को स्वर दिए। अब बाह्य प्राणायाम उज्जाई करके फिर अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करके आगे थोड़ी सी प्रस्तुतियां भोर में रखी हैं, फिर शेष प्रस्तुतियां पूज्य आचार्य श्री भी आ जाएंगे, जो है
फिर बाद में कराएंगे। बच्चों ने कई दिनों से बहुत पुरुषार्थ किया है, अलग अलग प्रकार की कला कौशल भी सीखे हैं, उनकी भी प्रस्तुतियां रखी हैं। तो ऐसे तो हर दिन ही आपके लिए है हमारा सब कुछ, लेकिन आज का दिन तो विशेष, जो भी बच्चों ने प्रस्तुतियां तैयार की हैं तो उसके लिए हम आपके लिए प्रस्तुत रहेंगे। देखो, ये बाह्य प्राणायाम अग्निसार, मैं अभी करो, आप लोग बाह्य प्राणायाम करो, अग्निसार भी करो। ये सब करते हुए एक ही बात कह रहा हूं आपको बार बार। मैंने एक दिन तो पूरा 2 घंटे इस संदर्भ में कहा था कि कर्म एक 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 तत्व को महिमा देते हुए, उसको सर्वोपरि महिमा देते हुए, उसको सर्वोपरि सर्वोच्च महिमा देते हुए ना, जब कई बार बात कहते हैं ना कि कर्म जीवन का अंतिम सत्य, मैंने कहा वो कर्म भक्ति पूर्वक हो, भक्ति योग वाले उसको भक्ति योग को सर्वोपरि कहेंगे, मैं भी कहूंगा जब भक्ति योग के बारे में कि भक्ति ही सर्वोपरि है, वो भक्ति ज्ञान पूर्वक होनी चाहिए, वो भक्ति कर्म पूर्वक होनी चाहिए, वो भक्ति मर्यादा पूर्वक होनी चाहिए, ऊंच नीच का विचार करके होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐसे उघाड़े हो गए कि मैं तो बस भक्त हूं प्रभु का और मुझे ना कोई आवरण की आवश्यकता है, नहीं, भक्ति विवेक पूर्वक हो, भक्ति प्रार्थना पूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक हो, भक्ति कृतज्ञता पूर्वक हो, संयम पूर्वक हो, साधन पूर्वक हो। तो किसी भी बात को जब महिमा दी जाती है तब ऐसे कहा जाता है। अब जैसे ज्ञान के बारे में कहते हैं तो कहते हैं ज्ञान ही के बिना कुछ नहीं है, लेकिन वो ज्ञान जो है वो पुरुषार्थ में रूपांतरित होना चाहिए, उस ज्ञान में संवेदना भी होनी चाहिए, उस ज्ञान में प्रेम करुणा कृतज्ञता होनी चाहिए, उस ज्ञान में सर्वहित होना चाहिए, वो ज्ञान स्वार्थ परक नहीं होना चाहिए। अब पूरी दुनिया में जो पेटेंट वाला जो चल रहा है पूरा कार्यक्रम, ये क्या है? स्वार्थ मूलक ज्ञान है, जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का ये सारा का सारा जो कुचक्र चल रहा है कि हमको पता लग गया तो अब सारी दुनिया को लूटेंगे हम पेटेंट्स के नाम पर। तो जो है, चलो कर्म करना है, करना है, लेकिन वो कर्म भक्ति पूर्वक ज्ञान पूर्वक हो, भक्ति पूर्वक हो, ज्ञान पूर्वक हो। वैसे भी रचना में भी ये तो प्रतीक है, ज्ञान शक्ति भाव शक्ति और क्रिया शक्ति प्रतीक है, तो ये बीच में है। अब यूं देखने में कहे कि ऊपर ही है, ऊपर नीचे तो कुछ नहीं है, सारी धरती तो ऐसी गोल है। यह हाथ जो कर्म के प्रतीक है, ये किसके बीच में है? हृदय और मस्तिष्क है। ए बच्चों, यह हाथ किसके बीच में है शरीर में? और हृदय किसका प्रतीक है? श्रद्धा का, भक्ति का, प्रेम का, कृतज्ञता का। और ये मस्तिष्क किसका प्रतीक है? ज्ञान का, ज्ञान का, विवेक का, प्रज्ञा का, मेधा का, विज्ञान का, अनुसंधान का। तो हमारे कर्म जो है ऐसे होने चाहिए। तो चलो, कपाल भाति पूरा हो गया, बाह्य प्राणायाम और उज्जायी भी ऐसे ही करना है। जिनको आवश्यकता है वो आसनों के पूर्वक हमने प्राणायाम करवाए, और जो संसार में कब जो नहीं हुआ अभी तक, किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं देखा, किसी ने कहीं पढ़ा नहीं, आज तक किसी किताब में नहीं पढ़ा गया, नहीं लिखा गया, न पढ़ा न कहीं लिखा न किसी ने कहा, ऐसे सैकड़ों सत्य हमने इस संसार को कहे, अलग अलग संदर्भों में कहे हैं, हेल्थ के संदर्भ में कहा, एजुकेशन के संदर्भ में कहा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के संदर्भ में कहा, अलग अलग संदर्भों में कहा उन सत्यों को, करके दिखाया है। ये जो पतंजलि योगपीठ में हो रहा है, ये योग पूर्वक उद्योग के नए सत्य का उद्घोष है, और आने वाली सदियां इसको याद करेंगे, ऐसा सत्य योग मूलक उद्योग का, जो पतंजलि योगपीठ से हम भारतीय शिक्षा बोर्ड
पतंजलि गुरुकुलम, वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय से कर रहे हैं। ये शिक्षा का नूतन सत्य है। जो हम प्राकृतिक ऑर्गेनिक खेती का जो कार्यक्रम चला रहे हैं, ये कृषि का नया सत्य है। जो योग यज्ञ प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद चिकित्सा मर्म चिकित्सा का ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है, ये हेल्थ का नया सत्य है। जो पतंजलि योगपीठ से हो रहा है ये संन्यास का, ये वेदों का, ऋषि संस्कृति का, देव संस्कृति का, ये नूतन सत्य है। ये नया युग धर्म है। आलोचना प्रत्यालोचना की कोई परवाह नहीं। तो इन सत्यों में आओ, कपाल भाती के बाद अनुलोम विलोम करेंगे, सब सीधे बैठेंगे। और क्या करना है बच्चों सभी को? अनुलोम विलोम, सीधे बैठो, अनुलोम विलोम। आसन के साथ तो कल सब कर रहे थे, तो सीधी सीधे बैठ के भी कर लो बच्चों। हाथ उठाओ, अनुलोम विलोम में तो हाथ उठता है ना। चलो करो सब अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते। आज रामनवमी है, भगवान राम के चरित्र को याद करते हैं। और हम भगवान राम की स्तुति किस लिए गाते हैं? जैसे वो जीते थे वैसे हमें भी जीना है। मैं बार बार कहता हूं हमारा जीवन कैसा हो हमारे पूर्वजों। तो चलो, भगवान राम योगी थे, वो निरोगी थे, उपयोगी थे, कर्मयोगी थे। करो सब अनुलोम विलोम करना है। और जैसे भगवान की हम स्तुति गा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, वैसे अपने को स्वयं को बनाना है अपने को। चलो अनुलोम विलोम लय के साथ। घोरांधकार तु यदा धरेयम् इक्ष्वाकुवंशे प्रभवम् जितेन्द्रम्। घोरांधकार तु यदा धरेयम् इक्ष्वाकुवंशे प्रभवम् जितेन्द्रम्। सत्याभिसंधम् रिपुसूदनम् च श्रीरामचंद्रम सुखदम नमामि। सत्याभिसंधम रिपुसूदनम च श्रीरामचंद्रम सुखदम नमामि। श्रीरामचंद्रम सुखदम नमामि। अब निरंतर करते रहना, एक क्षण का भी विराम नहीं, एकाग्रता से धैर्य से अंतर्मुखी होकर भगवान श्री राम के चरणों में अपने मन को लगा करके एकाग्रता पूर्वक करना, निष्ठा पूर्वक करना। चंद
नमामि